मायसेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर CC8 यूनिट 4 लर्निंग डिसएबिलिटी अधिगम अक्षमता पर चर्चा करूंगी। अधिगम अक्षमता क्या है, व्हाट इज लर्निंग डिसएबिलिटी, उसके लक्षण, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार एवं पहचान, आज मैं इन सब पर चर्चा करूंगी। अधिगम अक्षमता अर्थ और परिभाषा। अधिगम अक्षमता पद दो अलग अलग पदों से मिलकर बना है। अधिगम शब्द का आश्रय सीखने से है तथा अक्षमता का तात्पर्य क्षमता के अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति से है। अर्थात सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। सीखने में कठिनाइयों को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए मजबूत अभिप्रेरणा, सकारात्मक आत्म छवि और उचित अध्ययन प्रथाएं एवं रणनीतियां आवश्यक होती हैं। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल किक के द्वारा किया गया था। सैमुअल किक के अनुसार अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंक गणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता और या संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, ना कि मानसिक दुर्बलता का, संवेदी अक्षमता अथवा सांस्कृतिक अनुदेशन कारक का। इसके पश्चात अधिगम अक्षमता को परिभाषित करने के लिए विद्वानों ने अपने द्वारा निरंतर प्रयास किए, लेकिन कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है जिसको सर्वमान परिभाषा माना जा सके। अमेरिका के फेडरल की परिभाषा विशिष्ट अधिगम अक्षमता को लिखित एवं मौखिक भाषा के प्रयोग एवं समझने में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति जो व्यक्ति के सोच, वाक, पठन, लेखन एवं अंक गणितीय गणना को पूर्ण या आंशिक रूप में प्रभावित करता है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत इंद्रिय जनित विकलांगता, मस्तिष्क क्षति, अल्पमत असामान्य दिमागी प्रक्रिया, डिसलेक्सिया एवं विकासात्मक वाचघात आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत वैसे बालक नहीं सम्मिलित किए जाते हैं जो दृष्टि, श्रवण या गामक विकलांगता, संवेगात्मक विक्षोभ, मानसिक दुर्बलता, संस्कृति या आर्थिक दोष के परिणाम स्वरूप अधिगम संबंधी समस्या से पीड़ित है। वर्ष 1994 में अमेरिका की अधिगम अक्षमता की राष्ट्रीय संयुक्त समिति ने अधिगम अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि अधिगम अक्षमता एक सामान्य पद है जो मानव में अनुमान्यता केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से नहीं कार्य करने के कारण उत्पन्न आंतरिक विकृतियों के विषम समूह, जिसमें कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमता के प्रयोग में कठिनाई शामिल होते हैं, को दर्शाता है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर यह उत्पन्न हो सकता है। हालांकि अधिकतम अक्षमता अन्य प्रकार की अक्षमताओं जैसे संवेदी अक्षमता, मानसिक दुर्बलता, गंभीर संवेगात्मक विक्षोभ या सांस्कृतिक भिन्नता, अनुपयुक्तता या अपर्याप्त अनुदेशन के प्रभाव के कारण होता है, लेकिन ये दशाएं अधिगम अक्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर पाती है। उपयुक्त परिभाषाओं की समीक्षा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिगम अक्षमता एक व्यापक संप्रत्यय है जिसके अंतर्गत वाक, भाषा,
पठन लेखन एवं अंक गणितीय प्रक्रियाओं में से एक या अधिक के प्रयोग में शामिल एक या अधिक मूल्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति को शामिल किया जाता है, जो अनुमानता केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से नहीं कार्य करने के कारण उत्पन्न होता है। यह स्वभाव से आंतरिक होता है। अधिगम अक्षमता की प्रकृति एवं विशेषताएं। अधिगम संबंधी कठिनाई श्रवण दृष्टि स्वास्थ्य वाक एवं संवेग आदि से संबंधित अस्थायी समस्याओं से जुड़ी होती है। समस्या का समाधान होते ही अधिगम संबंधी यह कठिनाई समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत अधिगम अक्षमता उस स्थिति को कहते हैं जहां व्यक्ति की योग्यता एवं उपलब्धि में एक स्पष्ट अंतर हो। यह अंतर संभवतः स्नायु जनित होता है तथा यह व्यक्ति विशेष में आजीवन उपस्थित रहता है। चूंकि अधिगम अक्षमता को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है और जनगणना में अधिगम अक्षमता को आधार नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए देश में मौजूद अधिगम अक्षम बच्चों के संबंध में ठीक ठीक आंकड़ा प्रदान करना अति मुश्किल है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार यह कहा जा सकता है कि देश में इस प्रकार के बालकों की संख्या अन्य प्रकार के विकलांग बालकों की संख्या से कहीं ज्यादा है। यह संख्या देश में उपलब्ध कुल स्कूली जनसंख्या के 1.42% तक हो सकता है। वर्ष 2012 में चेन्नई में समावेशी शिक्षा एवं व्यावसायिक विकल्प विषय पर संपन्न हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 2012 में विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में लगभग 10% बालक अधिगम अक्षम है। अधिगम अक्षमता की विभिन्न मान्यताओं पर दृष्टिपात करने से अधिगम अक्षमता की प्रकृति के संबंध में हमको निम्नलिखित बातें सामने आती है। नंबर 1, अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है। नंबर 2, यह अस्थायी स्वरूप का होता है, अर्थात यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहता है। नंबर 3, यह कोई एक विकृति नहीं बल्कि विकृतियों का एक विषम समूह है। नंबर 4, इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार के व्यवहार और विशेषताएं पाई जाती है। नंबर 5, चूंकि यह समस्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्य विरूपता से संबंधित है, अतः यह एक जैविक समस्या है। नंबर 6, यह अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ भी ऐसा होता है, जैसे अधिगम अक्षमता और संवेगात्मक विक्षोभ। नंबर 7, यह श्रवण सोच वाक पठन लेखन एवं अंक गणितीय गणना में शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, अतः यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। विशेषताएं। नंबर 1, प्रोत्साहन की कमी। नंबर 2, विशिष्ट शैक्षिक समस्याएं। नंबर 3, विद्युत तरंगों में असमरूपता। नंबर 4, प्रत्यक्षिक गतिक स्थिरता। नंबर 5, अति सक्रियता। नंबर 6, सांवेगिक अस्थिरता। नंबर 7, सामान्य समन्वय का अभाव। नंबर 8, स्मृति एवं चिंतन में बाधा उत्पन्न होना। नंबर 9, अध्ययन समस्या। अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण या अधिगम अक्षमता के प्रकार। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमता के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर 1, पठन अक्षमता, रीडिंग डिसेबिलिटी। इससे तात्पर्य पढ़ने में विकार होना या किसी तरह की समस्या या कमी से है। इसके अंतर्गत निम्न अक्षमताएं आती हैं, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। नंबर 2, लेखन अक्षमता, राइटिंग डिसेबिलिटी। इससे तात्पर्य लिखने में विकार होना या किसी तरह की समस्या या कमी से है। इसके अंतर्गत निम्न अक्षमताएं आती हैं, डिस्प्रेक्सिया, डिसग्रेजिया, अग्रेफिया, डिसग्राफिया, असेंबलिया। नंबर 3, भावबोधक अक्षमता, एक्सप्रेशन डिसेबिलिटी।
इससे तात्पर्य बोलने का भाव व्यक्त करने में विकार होना या किसी तरह की समस्या या कमी से है। इसके निम्नलिखित अक्षमताएं हैं, तुतलाना, हकलाना। नंबर 4, गणितीय अंकगणितीय अक्षमता, मैथमेटिकल डिसएबिलिटी। इससे तात्पर्य गणित में किसी तरह की समस्या या कमी से है। इसके अंतर्गत निम्न अक्षमताएं आती है, ग्राफिकल डिस्क्लेसिया, लेक्सिकल डिस्क्लेसिया, वर्नर डिस्क्लेसिया, प्रोटोग्लोक डिस्क्लोसिया, ऑडियोनेटिक डिस्क्लोसिया। नंबर 5, मौखिक रूप से सीखने और भाषा संबंधी अक्षमता, लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इससे तात्पर्य है कि इसमें मौखिक रूप से बोलना नहीं आता या किसी प्रकार की भाषा से संबंधित समस्या या कमी का होना। इसके अंतर्गत निम्न अक्षमताएं आती हैं, अल्फेजा, डिसफेजिया। नंबर 6, शब्दों की वर्तनी संबंधी अक्षमता, स्पेलिंग डिसेबिलिटी। इस प्रकार की अक्षमता के कारण बालक लिखने में या बोलने में त्रुटि कर जाते हैं। वह शब्दों के विभिन्न अक्षरों को क्रम से नहीं लिख पाते एवं उसके स्थान बदल जाते हैं, जैसे लड़की के स्थान पर लकड़ी का लिख देना और सरल के स्थान पर सलल लिखना। ये निम्नलिखित अधिगम अक्षमता के प्रकार हैं। अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की पहचान। अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की पहचान अत्यंत सरल होती है। नंबर 1, छात्र उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाता, यद्यपि उसके मौखिक उत्तर बुद्धिमता पूर्ण होते हैं। नंबर 2, छात्र उचित प्रकार से पढ़ तो पाता है किंतु मौखिक अभिव्यक्ति में वह कठिनाई का अनुभव करता है। नंबर 3, वर्तनी में त्रुटियां करते हैं, शब्दों के अक्षरों को सही क्रम में नहीं लिखते हैं या शब्दों के कई अक्षरों को लिखते समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार के छात्र संख्याओं को लिखने में भी गलतियां करते हैं, जैसे 12 के जगह 21 और 89 के जगह 98 लिख देते हैं। नंबर 4, मन उचाट रहना, समय सारणी के अनुसार कार्य का ना कर पाना इनकी प्रमुख समस्याएं होती हैं। नंबर 5, सदैव मन का उदास रहना, गृह कार्य में विलंब करना, कक्षा में देरी से आना आदि आदतें पाई जाती हैं। नंबर 6, बुद्धिमान प्रतीत होने एवं कोई भी शारीरिक दोष ना होने के बावजूद पढ़ाई में कमजोर होना एवं परीक्षा का निष्पादन ठीक से नहीं कर पाना। नंबर 7, कभी कभी इतना अधिक उत्तेजित हो जाना कि वह किसी भी कार्य को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है। नंबर 8, पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना। नंबर 9, शब्दों में निहित अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ना। नंबर 10, शब्द और ध्वनि के बीच साम्य स्थापित करने में कठिनाई। नंबर 11, शब्दों के उच्चारण में कठिनाई। धन्यवाद।